नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, आज एक अनोखी सी बात मेरे सामने आके खड़ी हो गई। सच में मेरा दिमाग सा घूम गया। अपनी हर बात बच्चों पे थोपनी कितनी जायज है? वैसे ये एक लंबी बहस का विषय हो सकता है, खैर इसे छोड़िए। अगर आप युवा कपल हैं तो क्या आप अपने माता पिता की खुशी के लिए बच्चा पैदा करेंगे, या अपनी खुशी के लिए, या बस यूं ही बच्चा पैदा करेंगे? मैं जानती हूँ इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब सुनिए एक माता पिता की कहानी। एक माता पिता, उनका एक बेटा है। बेटे को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया और उस बेटे को पायलट बनाया। उससे पहले उन्होंने लोन लेकर के उसकी ट्रेनिंग पूरी कराई, विदेश भेजा, फिर धूमधाम से शादी की। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही माता पिता कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब आप चौंक गए होंगे। उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि हमने बेटे के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन क्या वो हमको पोता पोती नहीं दे रहा है? तो इस पे हमारा हक नहीं है कि हमें एक बच्चा मिले? उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, या तो एक साल में बच्चा पैदा करो या तो फिर 5 करोड़ रुपए दो, क्योंकि हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लालन पालन में इतना पैसा खर्च किया है। अब ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्ची कहानी है। ये मामला उत्तराखंड का है। संजीव रंजन प्रसाद और साधना प्रसाद ये एक कपल हैं। उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ, बेटे बहू के खिलाफ इनफैक्ट, मुकदमा दर्ज करवाया है। संजीव BHEL में अफसर रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पत्नी के साथ इस समय हरिद्वार में रह रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि उन्होंने अपने कोर्ट में जो उन्होंने एक दरख्वास्त दी है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने बेटे श्रेय सागर, ये उनके बेटे का नाम है, श्रेय सागर के लिए वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, उसकी परवरिश में कोई कमी ना हो इसलिए हमने दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं किया, उसे पढ़ाया लिखाया, श्रेय को पायलट बनना था, हमने उसे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा, 35 लाख रुपए की फीस दी और वहाँ रहने और खाने का 20 लाख का खर्चा अलग। आज श्रेय नामी एयरलाइन कंपनी में पायलट है। 2016 में हमने बेटे की शादी की धूमधाम से। नोएडा में रहती है वो लड़की जिसे हमने शादी कराई। दोनों को हनीमून के लिए हमने थाईलैंड भेजा। आज बेटा पायलट है और बहू नोएडा में जॉब करती है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे पे लगा दी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी उन्होंने हमें पोता या पोती का सुख नहीं दिया है। हम कोर्ट से ये प्रार्थना करते हैं कि बेटे के लालन पालन और परवरिश पे जो खर्च किए गए हैं 5 करोड़ रुपए, उन्हें दिलवाए जाए। 2.5 करोड़ रुपया बेटा दे और 2.5 करोड़ रुपया बहू दे, नहीं तो वो 1 साल के अंदर अंदर पोता या पोती दे। संजीव जी का कहना है कि जब वो अपने घर के सामने छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उनका मन दुखता है। श्रेया की माँ भी बहुत दुखी है, वो भी बहुत भावुक है और वो ये कहते कहते रो पड़ती है कि उन्हें अपना एक पोता या पोती चाहिए। अब आती हूँ मैं असल बात पे। वैसे ये कोई अनोखा मामला नहीं है। हमारे घरों में माता पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका पढ़ा लिखा बेटा या बेटी बिजनेस कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहा है तो शादी नहीं कर रहा है, शादी कर रहा है तो फिर उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। हम यही समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को दादा दादी नाना नानी बनाना क्या बच्चों की असली जिम्मेदारी है। अच्छा, अब अगर जिम्मेदारी का जिक्र हुआ ही है तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, उनकी ज़रूरतें पूरी करें। ये सच है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके सेटल होने, उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए माता पिता काफ़ी संघर्ष करते हैं। काफ़ी क्या, हर माता पिता संघर्ष करते हैं। उसी तरह जब माता पिता रिटायर होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका ख्याल रखें, उस उम्र की उनकी ज़रूरतों को समझें, उन्हें वक्त दें। लेकिन माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करने का मतलब ये नहीं हो सकता
कि बच्चे अपने सिर पे एक ऐसी जिम्मेदारी उठा लें जिसके लिए वो तैयार नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि बच्चा करने में उनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या उनकी ये चॉइस है, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा करना, उसे पालना एक बड़ी और ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी है। बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कब चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, ये सब तय करने का हक केवल और केवल एक कपल को होता है, एक माता पिता को होता है, ना कि उनके रिश्तेदारों को, यानी कि ना कि उनके दादा दादी और नाना नानी को। भारतीय परिवारों में नए बच्चे के साथ लोगों को बहुत सारे नए रिश्ते मिलते हैं, ये भी उतना ही सच है, जैसे चाचा मामा मौसी बुआ दादा दादी नाना नानी। और कई बार लोग ये भूमिकाएं निभाने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इससे उनकी भी खुशियाँ जुड़ी होती हैं, लेकिन एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी एक्चुअल में केवल माँ बाप की होती है। खुशियाँ सबको मिलती हैं, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी होती है वो बच्चे को पाले बड़ा करे। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चा पैदा करने से पहले दोनों इसके लिए प्रिपेयर रहें। और शादी का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए कि अब बच्चा होगा, जल्दी बच्चा होगा, इतने साल में बच्चा होगा। अरे भाई, दो लोग सिर्फ इसलिए शादी नहीं करते हैं कि उन्हें बच्चे पैदा करने हैं। हो सकता है कुछ लोग ये भी सोचते हो, लेकिन कुछ लोग एक दूसरे के साथ के लिए भी शादी करते हैं। एक कपल का अपना परिवार है, बच्चा पैदा करने से पूरा परिवार एक तरह से कंप्लीट होता है, ये सोच कुछ लोग दकियानूसी भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ ना समाज के नाम पर, चार लोगों के नाम पे बच्चों को ये जो हम पुश करते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, फलानी आंटी क्या कहेंगी, वो अंकल जी क्या कहेंगे, ये कल्चर बड़ा आम हो गया है। और किसी से तुलना करके आप अपने बच्चे को बताते हैं कि देखो फलाने ये क्या है, आपने क्यों नहीं किया, फला आंटी ये कह रही थी, उनके बच्चे ने ये किया। बच्चों को पहले शादी और फिर बच्चा करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। ये मतलब हमारी सोसाइटी का एक कल्चर है ये प्रेशर। इससे कहीं पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू हो जाता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है। आप कौन सा विषय पढ़ोगे, आप कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, ये जाने बिना ही बच्चे पे कुछ प्रेशर लाद दिए जाते हैं, चाहे वो उसके लिए तैयार हो चाहे ना हो। पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन उसे बार बार गिनवा करके, उसे जता करके आप बच्चों से अपनी जायज़ नाजायज़ मांग नहीं थोप सकते। आज मैं आप ही से पूछती हूँ कि क्या संजीव रंजन प्रसाद और साधना प्रसाद, जिनका ये मैंने आपको सच्चा किस्सा बताया, सच्ची कहानी बताई, अपनी अगर वो डिमांड रखते हैं तो आप क्या सोचते हैं, ये गलत है? दूसरी बात, क्या ज़रूरी है कि माता पिता की खुशी के लिए बच्चे पैदा किए जाएं, ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ जिसको वो नहीं चाहते हैं, क्या कहते हैं आप? मैं आज अपनी ये जो स्टोरी मैंने आपसे शेयर की है, आप ही से कुछ सवालों के जवाब चाहती हूँ। और आखिर में ये पूछना चाहती हूँ कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ और तरह की स्टोरीज मुझसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।